वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शेरवानी की कटिंग। बॉयज शेरवानी की कटिंग के लिए नॉर्मली हमें 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, तो हम इसमें से हम शेरवानी निकालेंगे। जो शेरवानी का जो फ्रंट हिस्सा होता है सामने ऐसा, वो मोस्ट ज्यादातर शेरवानी में ओपन होता है पीछे, तो इसलिए हम इसका मेजरमेंट ओपन साइड से लगाएंगे। अगर आपको फ्रंट हिस्सा ओपन नहीं रखना है, तो हम मेजरमेंट इसी साइड से लगाएंगे। अगर लेकिन फ्रंट हिस्सा ओपन रखना है तो भी मेजरमेंट ओपन साइड से लगाएंगे। तो मेजरमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो ये है, शेरवानी का जो मेजरमेंट चाहिए होता है, लेंथ 40, तीरा 50, चेस्ट 36, वेस्ट 34, हिप 36 और ये स्लीव्स का मेजरमेंट है। स्लीव्स की लेंथ 21 है और जो स्लीव्स की मोहरी होती है वो 8 है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेंथ। तो जो हमारी लेंथ है वो 40 है। लेंथ में हम 2 इंच या 2.5 इंच का मार्जिन लेके चलेंगे, जो हमारा फोल्डिंग वगैरह कम आएगा। तो स्लीव्स हमारी 40 और 40 पे हम लाइन मारेंगे, फिर 2 इंच का मार्जिन तो 42 पे। ये धुलाई खींच दी हमने। अब हम लगाएंगे तीरा। तो तीरा हमारा 15 का हाफ हम लगाएंगे। तीरा हमारा 15 का हाफ आएगा यहाँ पे 7.5। तो ये देखिए हम 7.5 पे निशान लगाएंगे और हमारा आर्मोल भी 7.5 पे लगेगा निशान, क्योंकि हमारा आर्मोल 16 है। तो ये यहाँ पे 8 पे लगा देंगे, 8 इंच पे लगा दिया। अब हमारे यहाँ पे चेस्ट हमारा 36 है, तो 36 का हम हाफ करेंगे 18 का हाफ आएगा 9, चेस्ट का हम 1/4 देंगे, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे लगाएंगे और इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन लेके चलेंगे। जो हमारा सिलाई वगैरह जाएगा, अगर मार्जिन एक्स्ट्रा बचता है तो हम बाद में काट सकते हैं, लेकिन 2 इंच का मार्जिन हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 9 है तो ये 2 इंच का मार्जिन 11। अब आते हैं हमारी वेस्ट। वेस्ट हमारी ऊपर से होती है 16 पे। वेस्ट तो ये 16 पे हमारी वेस्ट है, तो वेस्ट हमारी है 34 है। तो 34 का हाफ होता है, 34 का 1/4 करेंगे तो आएगा 8.5। ये 8.5 पे हम पहले मार्क करेंगे, फिर हम 2 इंच इसमें भी मार्जिन लेंगे। फिर हमारे आते हैं हिप। हिप हमारे ऊपर से होती है 23 पे, 23 से 24 पे, तो हम 24 पे लगाएंगे। हिप हमारी है 36, तो 36 में भी हम कभी हम यहाँ पे 1/4 लेंगे 9, और 9 में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये हम निशान वैसे मैच कर देंगे। ये जो हमारे मेजरमेंट है, ये फिटिंग की सिलाई है, यहाँ पे सिलाई है, ये हमारा मार्जिन है। यहाँ पे 2 इंच पे गोलाई कर देंगे आर्म होल की। हमारी जहाँ लेंथ खत्म हो रही है, पर हमारा जहाँ हिप थी हमारी 36, यहाँ पे हम लिया था 9 और 9 में 2 इंच मार्जिन करके 11। तो यहाँ पे जहाँ हमारी हिप खत्म हो रही है वहाँ पे हम 9 और 2 इंच मार्जिन 11 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैच कर देंगे। तो ये शेरवानी सीधा है। अगर काफी शेरवानी देखते हैं आगे जो फ्रंट का तो गोल होता है, अगर गोल होता है तो हम उसको ऐसे गोलाई में पड़ते, ये वाली गोलाई में पड़ते, लेकिन ये तो हमारी स्ट्रेट है तो हम इसको ये गोलाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम स्ट्रेट कर देंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये वाला जो है ये फ्रंट हिस्सा निकल गया, तो हम निकालेंगे बैक का हिस्सा। ये तो हमारा सिर्फ फ्रंट हिस्सा है, बैक साइड निकालने के लिए हम इसको ऐसे कैसे करेंगे। डबल फोल्ड करेंगे कपड़े कुछ भी हम लेफ्ट में ही डबल फोल्ड करेंगे। हमने जो आगे वाला हिस्सा रहा था हम उसी को रख लेंगे, बट ये जो ओपन साइड थी जिसमें हमने ओपन साइड से मेजरमेंट लिया था, लेकिन हम उसमें बंद साइड लेंगे। तो ये हम इसको जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है हाफ इंच छोटा, इसलिए हम बैक वाले हिस्से को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए हाफ इंच के अकॉर्डिंग हमारा एक्स्ट्रा ये हाफ इंच, तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब बाकी पूरा मेजरमेंट सेम रहेगा, हम इसको कटिंग कर देंगे। जो आर्मोल की शेप होती है वो भी हम हाफ इंच कम लेते हैं बैक वाले हिस्से में, क्योंकि फ्रंट वाले में हाफ इंच की एक्स्ट्रा गोलाई होती है। अब बाकी मेजरमेंट पूरा सेम रहेगा, हम पैसे ही काट रहे हैं। अगर आप पैसे रख के नहीं काटते तो वही मेजरमेंट दोबारा से लगा के काट सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रख काट रहे हैं तो हमारे ज्यादा इजी भी रहता है। तो हमारी शेरवानी कट हो गई, अब उसमें निकालेंगे स्लीव्स। अब हम ये बच्चे का कपड़ों से स्लीव निकालेंगे। स्लीव्स के लिए ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो जो स्लीव्स का मेजरमेंट था वो तुम्हारी लेंथ 21 और जो स्लीव्स की मोरी वो 8 इंच है, और हमारे आर्मोल था 8 इंच 16 था, तो हम 2.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन आर्मोल में। तो हम पहले लेंथ लेंगे, यहाँ से लेंथ हमारी 21 है, लेकिन 21 2 इंच प्रेस करेंगे तो हमारे पास 2 इंच यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच का ही मार्जिन लेके चलेंगे। सेम 21 पे ये आ रहा हमारा, अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो अंदर फोल्ड के लिए हम अलग से कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम आर्मोल लगाएंगे, आर्मोल हमारा 8 है तो हम 8 इंच लगाएंगे, उसमें हम 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। ऊपर से हम 3 इंच पे गोलाई करेंगे, क्योंकि जो हमारे चेस्ट होते हैं उसको 12 से डिवाइड करना आता है, तो हमारे चेस्ट 36 है तो हम उसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आता है। ये हम 3 इंच पे हमारी गोलाई करेंगे। और ये हमारी लेंथ हमारी होगी, अगर हमारे स्लीव्स की मोरी वो 8 है, यानी 8 का हाफ लेंगे 4, और 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, लेकिन इस पर भी हम 2.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। हम 2.5 इंच ले लें तो ये भी 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा एड कर देंगे, हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो ये वाली हो जाएंगे स्लीव्स। अगर आपको स्लीव्स समझ में नहीं आई स्लीव्स की वीडियो, आप हमारे स्लीव्स सिर्फ स्लीव्स की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। शेरवानी कटिंग, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।